हम अब हंस क्यों रहे हैं? कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे मिशन सक्सेसफुल। अबे चुप कर, अबे तू घर से बाहर मत निकल। अरे ये पोपटलाल तो रिक्शा में आया। कितना हो भाई? अब क्या करूं विक्की? मोना तू टेंशन मत ले, पहले देखते हैं कि ये पोपटलाल क्या कर रहा है। ओहो, चाबी तो घर पे रह गई है। अंजलि भाभी के घर पे एक्स्ट्रा चाबी है, उनसे ले लेता। अरे मोना बी अलर्ट, अरे वो अंजलि के घर की तरफ ही आ रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन कहीं उसे पता तो नहीं चल गया हमारी प्लानिंग के बारे में? लगता तो नहीं है कि पोपटलाल को कुछ पता चला है। अरे अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो पोपटलाल को हम संभालेंगे। और हाँ, मैंने बाहर गाड़ी भी रेडी रखी है। ओके ओके ओके, तुम बाहर देखो, बाहर देखो। विक्की पोपटलाल डोरबेल बजा रहा है, क्या करूं? कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना, और हाँ फोन भी कट मत करना। हाँ हाँ हाँ, फोन चालू है बाबा, तुम बाहर ध्यान दो। दरवाजा नहीं खोल रही है, शायद बिजी होंगी। ओह गॉड, मैं अंजलि मेहता का फोन स्विच ऑफ करना ही भूल गई, कितनी स्टूपिड हूँ मैं। फोन काट दिया, लगता है बहुत बिजी है। अब क्या करूं? दया भाभी के घर जाता हूं। अगर चंपक चाचा वापस आ गए होंगे तो उनके साथ गप्पे लड़ाते हुए दया भाभी के हाथ की मस्त मसालेदार चाय पीऊंगा। हाँ हेलो मोना, सुन। हाँ? ये पोपटलाल दया के घर की तरफ जा रहा है। थैंक गॉड। अरे जल्दी बाहर निकल, पोपटलाल सीढ़ी चढ़ रहा है, जल्दी बाहर। हाँ हाँ हाँ, मैं निकलती हूँ बस। अरे 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 भाई, वो भाई कहाँ जा रहा है भाई? दया भाभी के घर जाना है। सॉरी यार। अरे बाप रे, अब तक तो प्लान अच्छे से चल रहा था, लगता है अब इस प्लान में एक्शन होगा। एक्सक्यूज मी। हेलो। बाप रे, मर गए आप? वैसे मैं जी, मैं अंजलि की फ्रेंड हूँ, उससे मिलने आई थी, लेकिन दरवाजा बंद है। ओ अच्छा, लेकिन फिर आप बाहर से धक्का मार के दरवाजा क्यों खोल रही थी? आप वकील हैं? नहीं, पत्रकार, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, वरिष्ठ युवा पत्रकार। तो आप वकील की तरह सवाल क्यों कर रहे हैं? भाई मैं अंजलि की फ्रेंड हूँ, उससे मिलने आई थी। तो नहीं मिलना? मैं उससे बाद में मिल लूंगी। अच्छा, लेकिन अपना नाम तो बता दीजिए। क्यों भाई, बाद में अंजलि भाभी मिलेंगी तो मैं उनसे कहूंगा ना कि आपकी सहेली आई थी सो एंड सो आपसे मिलने। नहीं नहीं, मैं फोन पे उसे सब बता दूंगी। कुछ गड़बड़ है। हेलो मैडम, एक मिनट मैडम, एक्सक्यूज मी, एक मिनट रुकिए। कौन है आप? अभी मैं जब यहाँ आया तब तो आप यहाँ पर थी नहीं, ऊपर से आप अंजलि भाभी का दरवाजा बाहर से खोलने की कोशिश कर रही है। कौन है, कौन आप? आपसे मतलब? नहीं, मतलब ये कि अगर आप अंजलि भाभी की सहेली है तो अभी उनसे फोन पे बात करते हैं ना। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? नहीं, मैंने बताया ना मैं पत्रकार हूँ, शक करके सवाल पूछना मेरा काम है। उड़ता हुआ परिंदा भी पत्रकार पोपटलाल की बाज नजरों से बच नहीं सकता। ओके ओके, नाइस टू मीट यू। वेरी वेरी नाइस मीटिंग यू। अरे भाई रुको एक मिनट। भाई साहब क्या हुआ तुमसे? मतलब, और तुम हमारी सोसाइटी में क्या कर रहे हो? अरे वो हमारा मेहता साहब के दोस्त है तो मिले हैं। अच्छा, मतलब तुम भी इसके साथ हो? चलो एक मिनट, मेहता साहब के दोस्त हो तो मैं उनको फोन करता हूँ, अभी बात कर लो उनसे। नहीं नहीं, हमें उनसे अभी कोई बात नहीं करनी। क्यों? ओ भाई साहब, आप अपना काम करो। ओके। अरे अपना काम ही कर रहा हूँ। अरे रुको रुको, मैं लगा दिक्कत है। अरे इसे मत, ऐसा मत, नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ो, मैं छोड़ो, कहाँ से तू? अरे तू कह रहा था मैं ऐसा मत हो। अरे
अरे रुको रुको अरे रुको रुक रुक जा रुक जा रुक जा रुको अरे रुको रुको अरे चोरनी कहाँ जा रही रुक अरे कोई है चोरनी अरे कोई है रुक जा रुक चोर रुक जा अरे रुक जा अरे रुक जा रुक जा रुक स्टॉप 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 टाइम प्लीज अरे रुक 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 जा रुक जा अरे रुक रुक अरे रुक जा कहाँ जा रहा भाग के तुझे छोड़ूंगा नहीं कहाँ जा रहा भाग के रुक जा रुक अरे रुक रुक जा रुक अरे रुक रुक अभी पुलिस को फोन करता हूँ मेरा छाता फेंकता रुक जा अभी पुलिस को फोन करता पुलिस मेरा मोबाइल छोड़ 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 फोन छोड़ फोन छोड़ अरे तूने मेरा नया मोबाइल तोड़ दिया मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं चश्मा अरे रुक अरे रुक कहाँ भाग के जा रहा रुक ए चोर रुक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं दुनिया हिला दूंगा मैं ए रुक रुक कहाँ भाग रहा रुक मेरा मामा अंजलि भाभी अंजलि भाभी अंजलि भाभी अंजलि भाभी अंजलि भाभी अंजलि भाभी खिड़की तो अंदर से बंद है अंजलि भाभी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे क्या करूं मेरा फोन भी नहीं है कोमल भाभी के घर जाता उनके पास अंजलि भाभी के घर की चाबी जरूर होगी आते भाई कोमल भाभी आते भाई कोमल भाभी आते भाई कोमल भाभी की खिड़की भी अंदर से बंद है माधवी भाभी रोशन भाभी दया भाभी बबीता जी माधवी भाभी रोशन भाभी कहाँ चले गए सब वो बाहर क्यों नहीं आ रहा ये भगवान ये क्या हो रहा है दया भाभी के घर जाता हूँ शायद उनके पास अंजलि भाभी के घर की एक्स्ट्रा चाबी हो दया भाभी कहाँ है सब लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ है अरे पोपटलाल इतना क्यों चल रहे हो अरे भाई अब तो बचपना छोड़ो कहीं पैर टूट गया तो शादी होने में और प्रॉब्लम हो जाएगी आती भाई अच्छा हुआ आप आ गए अंजलि भाभी दरवाजा नहीं खोल रही तो कहीं बाहर गई होंगी नहीं नहीं मैंने उनके घर से एक औरत को भागते हुए देखा उसके हाथ में बहुत बड़ी बैग थी मुझे तो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है तो तुमने उसे पकड़ा नहीं दरअसल वो दो लोग थे मैंने कोशिश की लेकिन मुझे धक्का मार के भाग गए मैंने दया भाभी माधवी भाभी सबको आवाज लगाई लेकिन कोई बाहर नहीं आया आपके घर का दरवाजा भी खटखटाया था और कोमल तो घर पे है तो उन्होंने दरवाजा क्यों नहीं खोला अरे लगता है वाकई बहुत बड़ी गड़बड़ है पोपटलाल तुम मेरे साथ मेरे घर चलो मेहता साहब के घर की चाबी है एक मेरे पास चलो चलो मैं तुम्हें देता हूँ पर तुम्हें फोन तो करना चाहिए था पोपटलाल अरे कैसे करता उन्होंने मेरा नया फोन ही तोड़ दिया फोन भी तोड़ दिया अरे बाप रे कोमल 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 भाभी कोमल
कोमल भाभी, कोमल कोमल भाभी, कोमल भाभी, पोपटलाल पानी देना जरा। कोमल आके खोल, कोमल ये लीजिए आती भाई, ये लीजिए। कोमल क्या हो गया? कोमल हाथी भाई, मुझे लगता है ये भी वो चोरों के गैंग की मेंबर है। अरे नहीं, ये मिसेज वाघमारे है। आपको इसका नाम भी पता है? अरे बुड़बक, वो मेरी पेशेंट है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। कोमल आंखें खोलो, कोमल वाघमारे जी आंखें खोलो। कोमल, कोमल भाभी, कोमल, कोमल भाभी आप ठीक है ना? लाल भाई, हंस, वो लड़की। कौन सी लड़की? वो परफ्यूम बेचने आई थी, उसने गहरी सांस लेने के लिए कहा और मैं बेहोश हो गई। इसका मतलब उसने तुम्हें बेहोश करके चोरी की? अरे भगवान, हंस, हंस, मेरे इयररिंग्स, मेरा मंगलसूत्र, अरे मेरी घड़ी, सब गया, अंगूठिया, सब गया, सब लूट गया। अगर वो लोग एक बार और मेरे हाथ में आ जाए ना, तो मैं उनकी दुनिया हिला दूंगा। अरे मेरा नया मोबाइल भी तोड़ दिया। हंस, ड्रावर तो खुला ही पड़ा, खाली कुछ नहीं है ड्रावर। चेक करते हो, तुमने जगाने की कोशिश। वाघमारे बहन, वाघमारे बहन, वाघमारे बहन, हेलो। चोर! नहीं नहीं नहीं, चोर! मैं चोर नहीं हूँ। चोर! नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। चोर! मैं चोर नहीं हूँ। मैं चोर नहीं हूँ भाई, मैं पत्रकार हूँ। गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। नहीं नहीं, तुम चोरी हो। चोर! नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। अरे चोर, पकड़ कर रखना। अरे नहीं, अरे ये चोर नहीं है, ये हमारे पड़ोसी पोपटलाल जी है। आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, गलतफहमी हो गई। इट्स ओके। कोमल भाभी, वो लड़की? वो लड़की चोर थी, चोरी करके चली गई। I'm sorry, आप हमारे घर आए और आपकी भी सारी चीजें चोरी हो गई। कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अच्छा हुआ? क्या चोरी हुई और आप कह रही अच्छा हुआ? हाँ, क्योंकि आज मैं बच गई ना। मतलब आपका कुछ चोरी नहीं हुआ है? हुआ ना, फिर भी आप खुश हो रही है? हाथी भाई, मुझे लगता है बेहोशी की वजह से इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। ओ भाई साहब, मेरा मानसिक संतुलन ठीक है। दरअसल मैंने जो गहने पहने थे वो सारे नकली थे, और मेरे पर्स में भी डॉक्टर साहब को देने जितने पैसे रखे थे मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर अच्छा हुआ। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। आप दवाई तो लेते जाइए। ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगी, इतना अर्जेंट नहीं है। क्यों? नहीं मतलब बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो गया ना, बाद में आ जाती हूँ। अच्छा, तो फिर शाम को आ जाइएगा। ठीक है, सॉरी। कोई बात नहीं, सॉरी। नहीं नो प्रॉब्लम। अरे आती भाई, चलिए जल्दी चलिए अजी भाभी के घर। उनके घर की चाबी कहाँ है? मैं लेती हूँ। चलिए चलो जल्दी आती भाई, चलिए। क्या हो गया ये सब? भगवान करे अंजलि भाभी के घर सब ठीक हो। चिंता मत करो कोमल, सब ठीक होगा। आती भाई जल्दी चलिए। अरे लाइए चाबी दीजिए। अंजलि भाभी, 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 अंजलि भाभी। बस तो ठीक चल रहा है। अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, कुछ गड़बड़ है। अंजलि भाभी आप ठीक तो है ना? अंजलि भाभी, कोमल भाभी, कोमल भाई, हाथी भाई, अंजलि भाभी आप ठीक है? परफ्यूम में कुछ गड़बड़ है। वो लड़की कहाँ गई? वो लड़की चोरी करके भाग गई। क्या? मेरे गहने कहाँ गए? मेरी अंगूठी? वो लड़की ने परफ्यूम सुंघाया और वो
हकीम सुंगा की बेहोश करके मेरे गहने चोरी करके भाग गई। अंजलि भाभी प्लीज मत रोइए। देखिए अंजलि भाभी आप पैनिक मत होइए, आप प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या हो गया पोपटलाल? तुम फोन करके मेहता साहब को बुला लो। हाथी भाई जरा अपना फोन दीजिए। और पोपटलाल उनको यहाँ की सिचुएशन के बारे में मत बताना वरना वो बहुत टेंशन में आ जाएंगे। हाथी भाई? हाँ हाथी भाई बोलिए। मेहता साहब मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। पोपटलाल तुम हाथी भाई के फोन से? वैसे भी तुम अपने फोन से कहाँ फोन करते हो भाई, बोलो बोलो। अरे मेहता साहब ये मजाक का वक्त नहीं है, आप सारा काम छोड़कर फौरन गोकुलधाम सोसाइटी आ जाइए। क्यों क्या हो गया? मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, आप बस यहाँ आ जाइए। अरे भाई बताओ तो सही, हुआ क्या है? जेठालाल ने तो कोई पंगा नहीं किया ना? अरे मेहता साहब कोई सवाल मत पूछिए, मैंने कहा ना आप फौरन घर आ जाइए। अरे पर क्या हुआ होगा? जरूर जेठालाल और भिड़े के बीच में कुछ झगड़ा हुआ, जेठालाल को फोन करता हूँ। अरे वाह नटू काका, आपने आपके मोबाइल में सेठ जी के मोबाइल का रिंगटोन रखा है? नॉट एट ऑल। तो फिर नटू काका मुझे सेठ जी के मोबाइल का रिंगटोन क्यों सुनाई दे रहा है? बागा मुझे लगता है तुझे सेठ जी की याद आ रही है। जेठालाल फोन क्यों नहीं उठा रहा है, पक्का कोई गड़बड़ हुई है। लेकिन सेठ जी के फोन की रिंगटोन तो मुझे भी सुनाई दे रही है। सुनाई दे रही है ना? हाँ। मैं कब से यही कह रहा हूँ नटू काका, नटू काका सेठ जी अपना मोबाइल तो यही भूल गए। अरे हाँ हेलो जेठालाल, इतनी देर क्या लगाते हो भाई फोन उठाने में? दिस इज नटवरलाल प्रभाशंकर उदय वाला स्पीकिंग फ्रॉम सेठ जी मोबाइल। अरे नटू काका आप जेठालाल को फोन दो जरा। सेठ जी पार्टी के पास पेमेंट लेने गए हैं मगर अपना फोन यहाँ भूल गए हैं। अच्छा अच्छा ओके 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 नटू काका ओके। जेठालाल पार्टी के पास पेमेंट लेने गया है, फोन दुकान में है, मतलब जेठालाल तो सोसाइटी में है ही नहीं, क्या गड़बड़ हुई होगी? हाथी भाई पोपट भाई मेरे कबाड़ में से भी सारे गहने पैसे सब कुछ लेकर चली गई वो चोरनी। हे भगवान ये क्या कर दिया। आप टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप और कोमल सही सलामत है। अजय भाभी एक बात बताइए, आपके घर दो लोग आए थे, एक लड़का और एक लड़की? नहीं पोपट भाई सिर्फ एक लड़की आई थी, उसने मुझे कहा कि दया भाभी ने उसे भेजा है मेरे पास मुझे परफ्यूम दिखाने के लिए। मेरे यहाँ भी इसी बहाने से आई थी कोमल भाभी, मुझे उस पे डाउट हुआ था, मैंने उसे कहा कि मैं अभी दया भाभी से फोन करके पूछ लेती हूँ, तो वो अचानक रोने लगी और मुझसे कहने लगी कि मैं उस पे शक कर रही हूँ। उसने मुझे अपनी चिकनी चिपड़ी बातों में फंसा लिया और मैं भी मान गई उसकी बातें। मुझे क्या पता था कि वो मुझे उल्लू बना के मेरे सारे गहने और पैसे चोरी करके चली जाएगी। अच्छा 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 अब समझ में आया, वो लड़की पक्का दया भाभी का नाम लेकर और घरों में भी गई होगी। हा? और इसीलिए जब मैंने सबको आवाज लगाई तो किसी ने जवाब नहीं दिया और कोई बाहर नहीं आया। और हमें फौरन सबके घर जाके चेक करना चाहिए। अजय भाभी आपके पास मेरे घर की चाबी है ना? हा? और दया भाभी के घर की चाबी भी है ना? दोनों घर की चाबी। चलिए 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 चलिए। लाइए चलिए आइए 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 आइए। अच्छा हम मिल गए, आपको भी आसानी होगी। भिड़ा भिड़ा कितने तेरे ने कुछ अक्कल बक्कल रखी नहीं? चाचा जी आप बैठ जाइए बैठ जाइए। पोपटलाल क्या कर रहे हो तुम, अभी एक्सीडेंट हो जाता, अच्छा मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। अच्छा बीच में क्यों आया? अरे भाई आप लोग मेरी बात तो सुनिए, यहाँ बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है। अरे इमरजेंसी थी तो फोन लगाना चाहिए था ना भाई। अरे कैसे करता, मेरा नया मोबाइल टूट गया। बोलो ये इमरजेंसी अभी? अरे पोपटलाल सीधे सीधे बोलो ना, सोसाइटी में चोरी हो गई है। चोरी? चाचा जी हम सब के घर में चोरी हो गई है। कैसे और कब हुई? एक लड़की परफ्यूम बेचने के बहाने आई और उसने कहा कि वो दया भाभी की सहेली है। हाँ परफ्यूम बेचने के बहाने घर में आई, हमें परफ्यूम सुंघा के बेहोश कर दिया और सारा जेवर पैसा सब कुछ लेके चोरी करके रफू चक्कर हो गई। सेम टू सेम मेरे घर। हो सकता है वो चोरनी सोसाइटी के दूसरे घरों में भी गई हो। बाप रे मतलब माधवी माधवी सॉरी 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 चाचा जी तू जा घर जा, बाद में रोशन बेटी के घर भी जा। अच्छा माधवी बबीता बेटी के घर, उनके घर की एक एक्स्ट्रा चाबी मेरे घर पर है। हाँ, तो तू और कोमल वहाँ जा। चलो 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 भाई आइए अंजलि बेटा, चलो हम बहू को देखते हैं। चलिए चलिए चलिए। भाग गए चोर।
क्या किया जाए साहब, हम गोकुलधाम वालों की किस्मत ही टेढ़ी है और चोरों का पकड़ा भारी हो गया। देखिए आप क्रिकेट खेला है ना आपने, जब आप शॉट मारे और बॉल जमीन पे लुढ़कती भी जाए तो आप उसे बाउंड्री से पहले रोक सकते हैं, चौका रुक सकता है, लेकिन कोई हवा में शॉट मार दे तो सीधा छक्का जाता है, फिर बॉल नहीं रुकती, बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए चोर। लेकिन क्या होगा जब दया भाभी, माधवी भाभी, रोशन भाभी, बबीता जी को होश आएगा और उन्हें पता चलेगा कि चोरी हो गई है, क्या हाल होगा उनका, कैसे रिएक्ट करेंगे वो? असल में हमें भोला होना चाहिए, लेकिन इतना भोला नहीं होना चाहिए। भाई कोई हमारे दरवाजे पे आए तो आप मेहमान का स्वागत करें, लेकिन मेहमान अगर चोर बन के आए तो भरोसा करना चाहिए, हमें बचपन से सिखाया गया है, लेकिन कोई हमारे भरोसे का फायदा उठा ले, इतना भोला नहीं होना चाहिए। आप भी चौकन्ने रहिए, जिस तरह से यहाँ हुआ है कहीं भी हो सकता है। अब क्या होगा जब गोकुलधाम के जेंट्स आएंगे, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या हम चोरों को पकड़ पाएंगे? बहुत टेंशन है, इन चोरों ने गोकुलधाम की महिलाओं का बहुत फायदा उठाया है, पर आप चिंता मत कीजिए, आप फायदा उठाएंगे, हंसेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। हेलो चालू पंडित जी, हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ी चोरी हो गई है। अच्छा चोरी हुई, तो आप लोग खुद ही चोर को पकड़ लो ना, आप लोग चोरों को पकड़ने में माहिर हो ना, कभी कभी तो आप लोग खुद ही चोरी करते हो, खुद कंप्लेंट भी करते हो और चोर को पकड़ भी लेते हो। नहीं नहीं नहीं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इस बार बहुत बड़ी चोरी हुई है, सबके घरों में चोरी हुई है। क्या सबके घर पर चोरी हुई है? हाँ तो भिड़े मैं पक्का आऊं चोर को पकड़ने? मतलब नहीं नहीं, वो क्या होता है मालूम है ना कि आप लोग कई बार क्या करते हो, खुद ही वहां पर चोर को पकड़ लेते हो, मेरे आने से पहले पूरा केस सॉल्व कर लेते हो, मैं क्या वहां आता हूँ सोसाइटी में जीप घुमाता हूँ, बाय बाय करके निकल जाता हूँ, अच्छा ही लगता है ना। इस बार श्योर बोलो मैं आऊँ चोर को मैं ही पकड़ू? नहीं नहीं पंडित जी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार चोर को पकड़ने का मौका आपको ही देंगे, मेरा मतलब है आप ही चोर को पकड़ेंगे, हम में से कोई नहीं पकड़ेगा, प्लीज आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।